धरती पर कुछ बड़भागी उंगलियों पर गिनने वाले लोग ही ऐसे होते हैं। स्वाध्याय चैव निरतो मनस्ता पशु मता, जो बुढ़ापे में घर छोड़ने को तैयार हो जाए। नहीं तो लोग बुढ़ापे में अंदर घर में घुसते हैं। बेटे का कमरा होगा 10x10 का, तो दादाजी का कमरा मांगेंगे 12x16 का, उनको ज्यादा लगेगा। खैर आप तो नहीं होंगे ऐसे, कूर्म भगवान का कुछ अनुभव है। कहा कलकाल में तो आने वाले समय में तो ऐसा ही होगा। कलयुग में तो ये लिखा है कि वृद्ध दादा लोग नीम के पेड़ के नीचे सोए। अब तो घर में, अब तो गांवों का मठा अच्छा नहीं लगता। ये दादा लोग भी वहां चले गए, कहां? बंगलोर, बेटे के पास। उन्हें गांव की महरी कहां भाएगी, सरसों का साग नहीं अच्छा लगता। उनको भी करारे करारे समोसा अच्छे लगते हैं। गांव की चौपाल मलू कहां लगती है अब? क्या भगवान सुंदर बोले हैं, आने वाले समय में घर छूटेगा नहीं बुढ़ापे में, और ज्यादा रमेगा घर में और ज्यादा घुसेगा। अपनी जवानी में तो कुछ कर नहीं पाएगा, और अब सोचेगा कि ऐसा कितना कर दूं कि बच्चों को ना कमाना पड़े। 87 साल में सोचेगा। अज्ञान किसको कहेंगे, गाय भैंस को? यही अज्ञान है। पूरा देश मेरी बात सुन रहा है और मैं आपके पक्ष में हूं पूर्ण रूप से। मैं हमेशा उन वृद्धों के पक्ष में ही खड़ा हूं, और मेरी हर श्वास मेरी हर वार्ता उनके उस पक्ष में है, जहां जिनको इस उम्र में कुछ जरूरत है। इस उम्र में आपको रोटियों की जरूरत नहीं है। वो बन के पेड़ को देता है तो तुम्हारी भी वो चिंता करता है। मरने वाले को कफन और लकड़ी जन्म से पहले लिख देता है कि इसको कफन कौन देगा, जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कौन करेगा। जन्म बाद में होता है और यह भगवान लिख पहले देता है। रोटियों की चिंता की जाती है इस उम्र में? इस आयु में रोटियों की चिंता नहीं, इस आयु में कल्याण की चिंता होनी चाहिए। हमारा कल्याण किस प्रकार से? स्वाध्याय चैव निरतो वनस्तापस्तो मतः। भगवान कहते हैं वानप्रस्थ जीवन वन में निकले, तीर्थ में निकले, लेकिन बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो घर छोड़ करके निकलेंगे। आप पुराने इतिहास उठा करके देखिए, इतनी बड़ी बड़ी सत्ता थी, इतने बड़े बड़े राजमहल थे, राजाओं का बुढ़ापा वन में निकला। चाहे वो मनुजी महाराज रहे हो, चाहे अपराधी धृतराष्ट्र रहा हो, पहले वन के बिना लोग अपना कल्याण ही नहीं मानते थे। गणित के अंक में भी 50 के बाद गिनती बदली, वन से जुड़ गए, 51। 50 साल तक लोग घर में रहते थे, 51। अब वन को करो प्रस्थान। लेकिन अब तो जितना बुढ़ापा उतना ही आदमी ज्यादा फंसता है। भगवान ने संदेश दिया है, आदेश दिया है, योग्याभ्यास अर्थो। यहां योग का मतलब दंड बैठक लगाएं ऐसा नहीं है, तो हड्डी चटक जाएगी ज्यादा उठ पटांग लगा दिया तो। हाँ, आप पाम पाम फटका रहे और प्राणायाम और उल्टा कहीं आप शीर्षासन लगा दें तो हो सकता है कि कहीं गले वले की कंठ की हड्डी भी चटक जाए। तो यहां योग से मतलब है ईश्वर से जुड़िए। योग मीन्स जुड़ना, परमात्मा से जुड़िए। स्वाध्याय कीजिए, किताबें पढ़िए। आंखों से नहीं दिखता है तो दूसरी आंखें लगा लीजिए, जो आप लगाई है, चश्मा ऐनक। ये चश्मा क्यों लगाया आपके आंख में मालूम है? ये चश्मा इसलिए नहीं लगा कि ये देखने के लिए कि दाल में जीरे का तड़का है कि नहीं है। जीरा देखने के लिए चश्मा नहीं है, ये चश्मा ग्रंथों के लिखे हुए शब्द नजर में आ जाए, उसके लिए भगवान की प्रतिमा नजर आ जाए, भगवान की छवि नजर आ जाए। ये आंख पर चश्मा इसलिए लगा,
लेकिन चश्मा भगवान की प्रतिमा को देखने के लिए कम यूज हो रहा है और दुनियादारी की फालतू ऊट पटांग जिसका कोई मायना नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। भगवान का संदेश मान लीजिए, भगवान कहते हैं कि नित स्वाध्यायो चैव निरते। स्वाध्याय कहते हैं स्वाध्याय अपनी तरफ झांकिए, हमारे अंदर कोई दोस्त तो नहीं आ गया, हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं आ गई।